आज के ब्लॉग में हम लोग जाने वाले तौसीफ भाई किधर? गुजरात कानपुर पाटिया फिलहाल हम लोग बोरीवली स्टेशन पे। ये फर्स्ट टाइम है ना भाई आपका? हाँ भाई। किसके वहाँ पे? उमर भाई। पता है क्या अभी सब चढ़ रहे हैं, खाना खा रहे और तौसीफ भाई पानी पी रहे। ये देखो सुबह के 5 बज रहे, हम लोग पहुँच गए अहमदाबाद रेलवे स्टेशन, जाएंगे नाश्ता करेंगे मोती महल में। भाई देखे यहाँ के जरा घर चेक करो, के छोटे छोटे गाँव है। जरा ये चेक करो, अब देखे यहाँ से मेहसाना, ये कॉम्प्लेक्स चेक करो, सतनगर का बोर्ड और ये हमारे गांव के अंदर की एंट्री, गांव की। सतनगर पहुंच गए के बारे और ये उमर भाई का घर है। और देखे ये उमर भाई के वहाँ पे आए हम लोग। बाथरूम और बेडरूम में फर्क नहीं समझ आ रहा है, सतनगर तो एक नंबर है और घर भी माशाल्लाह। ये जरा आप चेक करो, यहाँ पे आप आराम से नहा सकते हैं। दूसरे बेडरूम में गए और यहाँ पे जो यहाँ का राजा था ना, ये देखो। हेलो एवरीवन, तो आज का जो ब्लॉग होगा हमारा थोड़ा सा डिफरेंट होगा और आज जो ब्लॉग स्टार्ट हो रहा है बोरीवली स्टेशन से हो रहा है, बिकॉज आज के ब्लॉग में हम लोग जाने वाले तौसीफ भाई किधर? गुजरात कानपुर पाटिया। अच्छा गुजरात जाने वाले हैं, तो पहले यहाँ से अहमदाबाद की ट्रेन आएगी, अहमदाबाद जाएंगे और अहमदाबाद ये ट्रेन हम लोग को सुबह छोड़ देगी, तो अभी जो भी होगा वो आगे चेक करेंगे। तो फिलहाल हम लोग बोरीवली स्टेशन पे, तो जरा ये चेक कर। देखिए तौसीफ भाई फुल रेडी होके आ गए अहमदाबाद जाने के लिए। अच्छा और ये फर्स्ट टाइम है ना भाई आपका? और कहाँ पे जाने वाले? कानपुर पाटिया। किसके वहाँ पे? उमर भाई के वहाँ जाने वाले। और देखिए भाई भी देख रहे हैं, ये तो जाके आ गए कहीं पे, हम लोग जा रहे हैं अभी। हाय कर दो, हाय कर दो, हाय कर दो। देखो फिलहाल हम लोग है बोरीवली स्टेशन पे और यहाँ से हम लोग सीधा जाएंगे, और ये अभी तक हमारी ट्रेन लगी नहीं है, अभी वहाँ पे लगेगी। हम लोग की ट्रेन आ गई है और अभी हम लोग का जो कंपार्टमेंट है B2 है, और देखिए अभी सब चढ़ रहे हैं। हम लोग के साथ अंकल भी आने वाले हैं और ये भाई भी है। फिलहाल हम लोग ट्रेन में चढ़ गए और अभी कुछ टाइम में ये ट्रेन मुर्दा घर बन जाएगी। तो भाई अभी फिलहाल हम लोग ने ट्रेन पकड़ ली है और देखे साथ में तौसीफ भाई और उमर भाई को फोन भी कर दिए, तो सुबह इंशाल्लाह अहमदाबाद भी आ जाएगी। और अंकल अभी तक सीट ढूंढ रहे हैं। भाई अभी देखो TC अंकल आ रहे हैं हमारी टिकट चेक करने। हमारी टिकट चेक करने, ये सर आप चेक करो। सीट नंबर देखो भाई, तौसीफ भाई के ऊपर की सीट मिली है, बेचारे चढ़ नहीं पा रहे। ये देखो ये चढ़ गए भाई, और भाई ने घर से खाने के लिए कुछ लाए। तो भाई देखिए तौसीफ भाई ने घर से खाना बना के लेके आए, यानी इनके एहलिया ने खाना बनाए जो स्पेशली हमारे लिए, जिसमें आपको मिलेगा इस तरह का एक कीमा और ये रहे आपको मिलेगा ये चिकन कांडी जो कि तौसीफ भाई के घर का एकदम फेमस है, और वो और ताज़ी ताज़ी रोटी फॉइल पेपर में। और अभी ट्रेन में खाना खाने का एक मज़ा ही अलग है। देखिए अब चेक कर रहे ना, और उनने अभी कैसा है हमारा ना लाइट बंद कर दी थी, बिल्कुल सो रही है, हमने फिर चालू कर दी। ट्रेन में खाना खा रहे और तौसीफ भाई पानी पी रहे, और अभी ये खा के लाइट बंद करके सो जाएंगे, और थोड़ा सा आपको बाद में भी बताऊंगा क्या हो रहा है। और फिर हम लोग का एक और दोस्त आने वाला है, वो आने वाला है अंकलेश्वर से, वो चढ़ेगा फिर वहाँ से वो अहमदाबाद, फिर अहमदाबाद से। अभी सोने की तैयारी है और देखिए तौसीफ भाई बिस्तर लगा रहे हैं, अभी लाइट बंद करके सो जाएंगे। देखिए एक आदमी ने कभी घर पे बिस्तर नहीं लगाया और यहाँ पे बिस्तर लगा रहे हैं, तो बाकी लोग तो सो गए। ये देखो ट्रेन में सब सो गए। अभी रात के 11:30 बजे और आप यकीन नहीं करेंगे ट्रेन में लोग इतने जल्दी सो जाते हैं, ना कोई रील्स देख रहा है, ना कोई फेसबुक देख रहा है, ना कोई यूट्यूब देख रहा है। तो अभी मैं तुमको बताता हूँ, देखिए सब लोग सो गए, सब लोग खाली मेरे कोच भी शायद नहीं जाग रहा हूँ, तो मैं आपको बताता हूँ मेरा कोच है, सब सो गए। भाई मुझे रात में खाना खाने के बाद चाय पीने की आदत है, चाय तो आई नहीं अभी, चाय जो स्टेशन पर रुकेगी वहाँ पियेंगे, लेकिन अभी ये तौसीफ भाई के साथ में ये लेके आए थे, तो अभी ये थोड़ा सा पियेंगे, बाकी उसके बाद तो चाय तो कंपलसरी है भाई। देखो भाई मेरे को चाय पीना था तो मेरे को उतरना पड़ा, और मैं अभी फिलहाल वलसाड़ में हूँ। तो देखो भाई मैं चाय लेके आ गया और बाकी लोग सब सो रहे, सब सो रहे इधर। तो सुबह के 5:40 हो रहे और हम लोग का अहमदाबाद स्टेशन आने वाला है, और देखे बाहर तो ट्रेन जा रही है, लेकिन अंकल भी सो रहे अभी। तो भाई को देखो, तो सब उतरने की तैयारी में बैठे। टाइमिंग पकड़ा है, मैं सही टाइम पे यहाँ जाए।
ये जैसा आप देख रहे हैं अहमदाबाद आ चुका है, अहमदाबाद जंक्शन, और हम लोग उतरेंगे यहाँ से। और देखिए भाई भी आ रहे हैं, उतरने की तैयारी कर रहे हैं। हम लोग रात में बैठे थे 10:04 पे और 5:48 पे अहमदाबाद पहुँच गए। और देखिए साथ में अभी उसामा भी है और तौसीफ भाई भी है, और यहाँ से सीधा जाएंगे। अभी उमर भाई ने गाड़ी भेजे, वहाँ पे जाएंगे और उससे पहले नाश्ता करेंगे, तो वो भी ज़रा चेकआउट करते हैं। और मैं आपको अभी अहमदाबाद स्टेशन दिखाता हूँ। देखिए इस यहाँ से सीधा जाएंगे बाहर मोती महल रेस्टोरेंट में। देखिए ये सब हम लोग के पीछे आएंगे अभी। तो भाई फाइनली हम लोग पहुँच गए अहमदाबाद रेलवे स्टेशन, और देखिए हमारे साथ है तौसीफ, उसामा, और अब देखिए ये स्टेशन ज़रा आप चेक करो। सबसे पहले आपको गुजरात की सबसे बेस्ट चीज़ बताता हूँ, वो है यहाँ के रोड। आप ये ज़रा चेक कर रहे हैं ना, यहाँ के रोड काफ़ी अच्छे है। और देखिए अंकल कितने अच्छे से चल के आ रहे हैं यहाँ पे, और देखिए गाड़ी आ रही है। दो लोग और हैं इस ट्रिप पे, जैसा उसामा और तौसीफ भाई। भाई तौसीफ भाई को हमने बोल के लाए थे कि उतरते साथ हमको गाड़ी मिल जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। फिर सबसे पहला स्कैम हुआ अहमदाबाद में तौसीफ भाई के साथ, और अभी इनको पता नहीं है और कितना चलना है। अंबाजी तक हम चल के जाएंगे। तो आज हम यहाँ पे नाश्ता करेंगे, तो पहले यहाँ पे जाएंगे नाश्ता करेंगे मोती महल में। और यहाँ का जो है ना बन मस्का हो गया, फिर कीमा वगैरह हो गया, अगर आप बन मस्का यहाँ का खाएंगे ना तो याद करेंगे। तो अभी सीधा अंदर चलते हैं। और देखिए ये, और अभी भाई लोग ने ऑर्डर दे दिए और वो अभी यहाँ का खाना वगैरह चेक करेंगे। ये भुर्जी है, ये कीमा है, ये रोटी है। इसको टेस्ट करके तो उसी भाई बताएंगे। बहुत गंदा। वाह। और देखो ये ना। तो भाई मैंने तो अपना नाश्ता खत्म कर दिया, बाकी देखिए उसामा भाई माशाल्लाह खा रहे। और उसामा भाई कीमा कैसा है? और तौसीफ भाई भुर्जी? भुर्जी में थोड़ा नमक कम कर दिया अल्हम्दुलिल्लाह। और बाकी कीमा भी खा लिए। और देखिए रेस्टोरेंट है मोती महल, और ये अहमदाबाद रेलवे स्टेशन के एकदम नियरेस्ट है, तो आप एक बार आ जाना, यहाँ आएंगे तो यहाँ का कीमा खा लेना अगर आप वेज नहीं खाते हो। तो भाई देखिए यहाँ का मोती महल का बन मस्का देखिए आप, और मस्के में देखिए ये ज़रा आप चेक करो गाइस। अब यहाँ की चाय चेक करेंगे, और देखिए चाय भी आ रही है हमारी, ये देखिए ये चाय आ गई, और ये बन मस्का है। अभी एक एक बाइट लेंगे सब, इसको टेस्ट करेंगे। तो भाई नाश्ता वगैरह हो गया, और अब यहाँ से सीधा हिम्मतनगर जा रहे हैं, और गाड़ी भी आ गई है। तो भाई हम लोग निकल गए अभी हिम्मतनगर के लिए, पानपुर पाटिया उमर भाई के घर पे जा रहे हैं। तो अभी यहाँ के सीन्स चेक करते हैं। ये ज़रा चेक करो, अभी कम से कम 1-1.5 घंटा और लगेगा पहुँचने में सतनगर। तो देखिए रोजगार कम है। देखो भाई, भाई पाव खा लो पाव। भाई देखिए यहाँ के ज़रा घर चेक करो एकदम। भाई जरा रोड चेक करो यहाँ के, ये जरा आप चेक करें। देखो अभी हम लोग पहुँच गए प्रांतिज के टोल नाके पे। नहीं ये देखो भाई यहाँ पे वॉकिंग कहाँ करते हैं, अपने वहाँ तो गार्डन में जाते हैं, और यहाँ पे टेरिस पे कर रहे हैं। अभी देखो वो पीछे गए, अभी आएंगे आगे, आप जरा चेक करते रहो। ये देखो ये वॉकिंग कर रहे ऊपर। अभी हम लोग हैं प्रांतिज में, और यहाँ पे देखिए इस तरह के छोटे छोटे गांव है, और यहाँ पे रेलवे स्टेशन भी है। ये गोभी? हाँ गोभी। तो देखिए आप लोग जो गोभी खा रहे हो ना, वो यहीं से आती है। ये देखो हो रही पूरा गोभी फुलावर, पूरा हिंदुस्तान में यहाँ से जाता है। अच्छा, और हमारी गाड़ी तो शायद यहीं पर रुकी थी। देखिए ये सामने है सावर डेरी हिम्मत। तो देखिए फिलहाल इस वक्त हम लोग हिम्मत नगर मोतीपुरा सर्कल, और ये यहाँ का जंक्शन है, जैसा कि यहाँ से आपको मुंबई वगैरह की बस। और देखिए वो हमारी तानिया भी खड़ी है वहाँ पे, ये हमारे उमर भाई की बस है। बाकी देखिए यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं, ये यहाँ का जंक्शन है, और यहाँ पे नाश्ता वगैरह, और यहाँ पे कैसा है कि लेट नाइट भी आपको अगर कुछ नाश्ता वगैरह करना है तो मिल जाएगा। और ये ज़रा चेक करो यहाँ पे, तो यहाँ पे तो हम लोग फिर से आएंगे, ये तो खाली अभी सतनगर पहुँचने तक का मैं आपको बता रहा हूँ। और देखिए गुजरात जो फेमस है ना, वो फेमस है खाने पीने के लिए। और देखिए ये हिम्मत नगर, अब बस 2 किलोमीटर। अभी हम लोग हिम्मत नगर में, और अभी यहाँ से सतनगर जाएंगे। ये देखिए ये नाला कम नदी भी बोल सकते हैं आप इसको।
तो भाई हम लोग रात में निकले थे 10:04 की ट्रेन पकड़े थे बोरीवली से, फिर वो ट्रेन छोड़ी 5 बजे, फिर उसके बाद हम अहमदाबाद में थे, अहमदाबाद में नाश्ता वगैरह किए, फिर उसके बाद हिम्मतनगर के लिए निकले और अभी हिम्मतनगर आ गए और यहाँ से अभी सीधा जा रहे सतनगर जो कि बाजू में ही है, 4-5 किलोमीटर है। और सतनगर में जो गाँव का जो माहौल है और वो जो जरा चेक करेंगे ना तो एक नेक्स्ट लेवल का मजा आने वाला है। और तौसीफ भाई फिलहाल अभी मोबाइल में बिजी है। हिम्मतनगर का बाईपास सामने आप जरा चेक करें, रिसोर्ट बन रहा है और अभी मैं यहाँ पे आ चुका हूँ तो मैं कोशिश करूंगा कि जल्द से जल्द यहाँ का काम करवा दूँ। सामने देखे वो स्नो सिटी बन रही है यहाँ पे, वो देखा ये तो अब बन रहा है, बन गया, बन रहा है भाई, आप तैयार हो गया। ओ जरा ये चेक करो, अभी ये भी हम लोग हो सकता है अगर 2-3 दिन में रेडी हो जाए तो ओपनिंग करके जाएंगे, बाकी तो फिर देखते हैं। भी आ रहा है आरटीओ सर्कल और हमको आरटीओ सर्कल से लेफ्ट लेना है तो वो सतनगर के लिए जाएगा और राइट लेंगे तो हिम्मतनगर के लिए जाएगा। देखिए यहाँ से मेहसाणा, फिर यहाँ पे इधर है, फिर यहाँ पे अपना सतनगर है। तो सीधा ये जरा चेक करो गाइस, यहाँ पे भी अभी देखिए बहुत जल्दी अगर आपको प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना है तो यहाँ पे आ जाइए। 2 BHK 3 BHK 2500 भाड़ा और अगर खुद का बना लेंगे तो कॉम्प्लेक्स में अभी एकदम बजट में मिल जाएगा। अभी एक आगे कॉम्प्लेक्स आ रहा है, मैं आपको दिखाता हूँ। तो जरा गाइस ये कॉम्प्लेक्स चेक करो, ये कॉम्प्लेक्स चेक करो आप। ओह, और ये लोकेटेड है आरटीओ सर्कल के नियर बाय, ये आप चेक कर रहे हैं ना, और ये रात में इससे भी अच्छा लगता है ये। और अब आ रहा है हमारा गांव, वो रहा सतनगर। तो आज मैं निकला था गांव के लिए, फाइनली हम लोग पहुंच गए सतनगर। ये सतनगर का बोर्ड और ये हमारे गांव के अंदर की एंट्री, हमारा मतलब उमर भाई का घर है यहाँ पे, अपने गाँव है ये। और देखे ये गाँव के अंदर एंटर होते हैं और एक चीज बताता हूँ, ये गांव में जितना सुकून है ना आपको उतना सुकून कहीं नहीं मिलेगा। खाली आप गांव का सुकून चेक करें और यहाँ के माशाल्लाह जो रहने के लाइफ स्टाइल है, यानी कि फैमिली को भी टाइम, फिर बिजनेस को भी टाइम, ऐसा नहीं कि खाली भाग दौड़ कर रहे हाय मारी। देखे और देखे ये अंदर एंटर हुए और सबसे पहले आप देखे ये कितने आलिशान घर, और अब देखे यहाँ से सीधा ये देखे लोग मेरे को पहचान लेंगे, बोलेंगे कि वापिस आ गया है। ये यहाँ से टर्न होगी अपनी गाड़ी, ये मस्जिद है गांव की। उमर भाई, उमर भाई ने सेम शर्ट पहने ली, हमको बता रहे थे कि आज मेरे दोस्त ने कौन सा कलर पहना होगा। देखिए ये जोड़ी जबड़ी है, देखिए ये अभी है, हम लोग सतनगर पहुंच गए और ये हमारा घर, ये हमारे घर पे हम लोग पहुंच गए और अभी अंदर घुस जाएंगे सीधा। गाड़ी से उतरते साथ पहले उमर भाई आए यहाँ पे और उमर भाई ने सेम शर्ट पहने यहाँ पे, मैं आपको मिलाता हूँ आज उमर भाई से। अस्सलाम वालेकुम। तो देखिए ये उमर भाई है, तो हम लोग इनके वहाँ आ रहे। उमर भाई अस्सलाम वालेकुम, खैरियत? मैं पहुंच चुका हूं सतनगर और ये उमर भाई का घर है। और यहाँ पे एक चीज नई हुई है कि ये भाई आज बहुत जल्दी उठ गए, ये भाई को पहचान दो। ये वेला है। तो भाई फाइनली हम लोग पहुंच गए सतनगर और देखे ये उमर भाई के वहाँ पे आए हम लोग, और ये जरा चेक करो सेम शर्ट, और तौसीफ भाई भी है यहाँ पे। तौसीफ भाई कुछ बोलना चाहेंगे, कैसा लगा सतनगर? भाई सतनगर तो एक नंबर है घर की, माशाल्लाह। तो अभी यहाँ से जाएंगे दुकान की तरफ। बाथरूम और बेडरूम में फर्क नहीं समझ में आ रहा है, ऐसा है कि जितना मुंबई में बेडरूम होता है ना वहाँ पे इतना बाथरूम है। मैं आपको चेक कराता हूँ, ये जरा आप चेक करो, यहाँ पे आप आराम से नहा सकते हैं, भाग सकते हैं, यानी आपको जिम जाने की जरूरत नहीं। पहले सुबह यहाँ वॉकिंग करो, फिर उसके बाद वहाँ पे फ्रेश हो जाओ, फिर यहाँ से निकल के देखिए अभी ये दूसरा बता रहे। ये ज़रा मैं आपको इनका रूम का टूर देता हूँ, देखिए ये और वो, देखिए ये वेला, और देखिए फिर ये दूसरे बेडरूम में गए, और यहाँ पर जो यहाँ का राजा था ना तो उस पर कभी बैठा था उसने, देखो। और ये डाइनिंग टेबल है, इससे बड़ा ऊपर है। और फिर ये बाहर का व्यू, जहाँ तक आपकी नज़र जा रही है, जहाँ तक नज़र जा रही है आप देख सकते
ये वाला काका, ये बाहर का व्यू है। ये जो बाथरूम आप देख रहे हैं ना, ये भी बाथरूम है, बेडरूम है। ये जरा चेक करें, देखिए तौसीफ भाई को नाला सुपारा से लाए और यहाँ की राजा की चेयर पे इनको बिठाए। तौसीफ भाई तुम राजा नहीं हो, खाली फील करो आप। भाई थका जुट गई मेरी पूरी। झूठ बोल रहा है आदमी। जो तैयारी कर रहे हैं वो उसामा के लिए, क्योंकि उसामा को इंग्लिश नहीं आती है तो इसलिए उसको इंडियन में जाना पड़ता है। और ये वो उसामा है। फिर देखिए एक और, ये देखो, ये देखो, ये हमने एक बच्चा लाए हैं नाला सुपारा से।